राम राम किसान भाइयों, मैं अरविंद तोमर, आप देख रहे हैं एक ही खेती जानकारी यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, आज की वीडियो कुछ दिनों के बाद हम लेकर उपस्थित हुए। किसान मित्रों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि शिमला मिर्च तथा पतली मिर्च में फूल जो गिर रहा है किन कारणों से गिरता है, और फल फूल गिरने के कारणों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, और इसे किस दवा से रोकें और इसे रोकने के उपायों के बारे में हम बात करने वाले हैं। परंतु उससे पहले जो किसान मित्र हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं और जो शिमला मिर्च की खेती तथा पतली मिर्च की खेती कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जिससे तुरंत मिल सके। और हम मिर्च की क्रॉप पर बारी बारी से हम किसान भाइयों वीडियो लाने वाले हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब, जो नए किसान मित्र हमारे चैनल को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब अवश्य करके रखें। किसान भाइयों, बात करें शिमला मिर्च तथा पतली मिर्च में फूल गिरने की, तो किसान भाइयों शिमला मिर्च तथा पतली मिर्च में फूल गिरने के चार मुख्य कारण होते हैं। पहला जो कारण है कि तापमान का अधिक होना और कम होना, यह भी किसान मित्रों जो हमारे फूल गिरने की समस्या को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। इसके कारण भी जो हमारा टेम्परेचर है, कभी हाई हो जाता है, कभी लो हो जाता है। इसके कारण कभी बादल और किसान मित्रों आ जाते हैं, कभी बारिश हो जाती है। इसके कारण भी हमारा जो शिमला मिर्च है तथा पतली मिर्च में है किसान मित्रों, यह फूल गिर जाता है। किसान भाइयों, टेम्परेचर का हाई और लो होना भी फूल ड्रॉपिंग में बहुत ज़्यादा भूमिका निभाता है। तो किसान भाइयों, ये तो अपने हाथ में कंट्रोल में इसे नहीं कर सकते, ये तो वातावरण पर निर्भर करता है। अगर किसान भाइयों दूसरे कारण की जब हम बात करें, तो फफूंदी के कारण भी हमारे जो शिमला मिर्च है तथा पतली मिर्च में किसान भाइयों जो फूल गिरने की समस्या देखने को मिलती है। तो फफूंदी में किसान मित्रों, अगर हमारे खेत में ब्लाइट वाली समस्या देखी जाती है, तब भी जो हमारा फूल है किसान भाइयों, वो काला पड़ के गिर जाता है। अगर काला पड़ के गिर जाए फूल आपका, और जो आपका फल है वो भी गिर जाए, तो आप समझें कि ये फफूंदी के कारण जो हमारा फल और फूल गिर गया है। इस जैसे ब्लाइट जब आती है, तो उस समय आप देखते हैं कि जो हमारा फूल है किसान भाइयों, वो काला पड़ के, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, वो काला पड़ के गिर जाता है। और ऐसी समस्या देखने पर किसान भाइयों, आप फफूंदी नाशक का स्प्रे अवश्य करें। फफूंदी नाशक में किसान भाइयों, आप कार्बेडियम 12% और मैनक्यूजेब 63% का, आप WP का मार्केट में जैसे साफ नाम से मिल जाएगा, ये UPL कंपनी का, और धनुका कंपनी का आपको सेक्सर नाम से ये मार्केट में फफूंदी नाशक मिल जाएगा। इसका स्प्रे आप समय समय पर अगर अपनी मिर्च की क्रॉप में करते रहते हैं, अगर मिर्च की क्रॉप में करते रहते हैं, तो आपको जो फफूंदी की जनिक जो ड्रॉपिंग है किसान भाइयों, आपके शिमला मिर्च तथा पतली मिर्च में ये देखने को कम मिलती है, तथा ब्लाइट भी इससे कंट्रोल हो जाता है। अगर हम तीसरे तरीके की जब हम बात करें कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण भी हमारा जो शिमला मिर्च तथा पतली मिर्च में फूल ड्रॉपिंग देखने को मिलता है, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण भी किसान भाइयों, जो हमारा फूल है और फल है गिर जाता है। अगर इसकी कमी हमारे पौधे में दिखाई देती है, तो उसके लिए मार्केट में आपको एरीज कंपनी का एग्रोमिन गोल्ड आता है, उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, या सुपर एग्रो का करिश्मा नाम का प्रोडक्ट आता है, उसमें भी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। आप जो एग्रोमिन गोल्ड है बताया मैंने एरीज कंपनी का, उसे 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, या सुपर एग्रो का जो मैंने करिश्मा नाम का प्रोडक्ट बताया उसे 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, इन दोनों में से किसी एक का आप स्प्रे कर देते हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो फूल ड्रॉपिंग वाली दिक्कत है, फल ड्रॉपिंग वाली दिक्कत है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण, वो समस्या आपकी दूर हो जाएगी। और चौथा मुख्य कारण है कि कीटों के कारण भी किसान मित्रों, हमारा फल और फूल ड्रॉप हो जाता है। तो कीटों के कारण भी, जैसे बीज कीट होता है किसान मित्रों, वो हमारे फूल में छेद कर देता है, इसके कारण भी हमारा जो फूल है गिर जाता है। इसके कंट्रोल के लिए वायर कंपनी का अलंटो नाम से प्रोडक्ट आता है, इसे 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से अगर अपनी शिमला मिर्च तथा पतली मिर्च में स्प्रे कर देते हैं, तो जो हमारा बीज कीट है जिसके कारण हमारा जो फूल और फल गिर रहा है, वो किसान भाइयों रुक जाता है। और जो सूढ़ी लगी होती है, फल वेदक सूढ़ी होती है, उसके कारण जो फल वेदक सूढ़ी ये फल में छेद कर देती है, इसके कारण भी हमारा जो फल है तथा फूल है
उस फूल में भी छेद कर देती है, इसके कारण भी फल और फूल गिर जाता है। तो फल वेदक सूढ़ी के लिए कंट्रोल करने के लिए आप मार्केट से इमेक्टिन बेंजोइट 5SG का भी आप 10 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से अगर अपनी शिमला मिर्च तथा पतली मिर्च में स्प्रे कर देते हैं, जो फल वेदक सूढ़ी है किसान मित्रों, वो आपकी जो आपकी शिमला मिर्च है तथा पतली मिर्च है वो उससे कंट्रोल हो जाती है। तो किसान मित्रों, जो कीटों के कारण जो हमारा नुकसान हो रहा है, जो फूल ड्रॉपिंग हो रही है तथा जो आपका फल ड्रॉपिंग हो रहा है वो रुक जाता है। किसान भाइयों, मैंने जो चार तरीके बताए और चार कारण बताए, इनके अगर आप सॉल्यूशन बताए उनको उस हिसाब से अगर करते हैं, इस साल शिमला मिर्च तथा पतली मिर्च में फूल ड्रॉपिंग को रोकने के ये तरीके आप उपयोग करते हैं, तो उम्मीद करता हूं कि आप अपने शिमला मिर्च तथा पतली मिर्च में फूल ड्रॉपिंग को रोक सकते हैं। तो किसान भाई, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह से और आप शिमला मिर्च तथा पतली मिर्च से वीडियो ज़्यादा इसी चैनल के माध्यम से देखना चाहते हैं तो हमारे जो चैनल है जो शिमला मिर्च वाले किसान तथा पतली मिर्च वाले किसान, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके अवश्य रखें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो किसान भाइयों, तो फिर मिलता हूँ नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक नई मिर्च की वीडियो के साथ फिर मिलता हूँ। फिर तब तक के लिए धन्यवाद।